स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज्यादा सामान न लेते हुए शुरू करते हैं आपने आज की इस वीडियो को। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका सर शुभम सर आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। और आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलीनोमियल। ठीक है, तो पॉलीनोमियल के बारे में जानने से पहले उसके लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपकी फर्स्ट कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स कोफिशिएंट्स एंड द पॉलीनोमियल इन 1 डिग्री, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल के जानने से पहले आपको इनके बारे में जानना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला है हमारा पॉइंट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स होते क्या है? ठीक है, आपने एक बात नोट की होगी, ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। ठीक है, क्या है ये आपका 10। अगर मैं किसी और से दूसरे से पूछूंगा वो कितना बताएगा 10। हमारे यहाँ पे 10 है। अगर आप कहीं और जाते हो, अदर स्टेट्स, आप मामा जी के यहाँ पे, फूफा जी के यहाँ पे, कहीं पे जाते हो, तो ये आपका 10 ही रहेगा, चेंज तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपका, जो ये मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, ये बिल्कुल फिक्स रहेगी। ठीक है ना, तो आपने क्या सीखा है यहाँ पे कि जो ये 10 है ये फिक्स वैल्यू दे रहा है, ये 10 ही रहेगा, चाहे आप इसको कहीं पे भी ले जाकर किसी से भी पूछ लो, तो फिक्स हो गया। तो इनको बोलते हैं हम अपने कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स क्या हुए फिर आपके? ये सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट। आई क्या क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब आता है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स, अपने बच्चों एक बात नोट की होगी, आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व किया, वहां पर आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू सपोज 2 आ गई। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे, वहां पर आपकी एक्स की वैल्यू कोई और अदर आ गई, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो आपने क्या बात नोट की कि जो एक्स की वैल्यू थी वो आपकी चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके वे सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वे सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मीन्स दैट द नंबर्स विच आर चेंजेबल, तो इट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ये आपके दोनों समझ आ गया, कॉन्स्टेंट भी और वेरिएबल्स भी। नाउ अब आते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑपरेशंस मीन्स, यहाँ पर आपके पास मैथ्स में बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन 4 ऑपरेशंस को यूज करके आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के साथ एक एक्सप्रेशन तैयार करते हो, जिसको बोलते हैं हम अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने इन 4 ऑपरेशन को यूज किया है, तो इन 4 ऑपरेशन में से ये 2 ऑपरेशन जो होंगे आपके, ये क्या कर देते हैं आपके, ये आपके उन नंबर्स को जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, ये 2 ऑपरेशन, प्लस और माइनस। तो जैसे ही अलग अलग कर देते हैं तो इसका मतलब है ये आपका यहाँ पर ये पार्ट अलग हो जाता है और ये पार्ट अलग हो जाता है। इनको बोलते हैं हम टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। यहां तक क्लियर है आपका? टर्म्स के बाद अब आपके पास क्या है, वेरिएबल और आपके कॉन्स्टेंट्स आ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिया आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, उसमें हमने टर्म्स भी पता कर लिया कि टर्म्स आपकी होती क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स मींस, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 3, ये लिख दिया हमने 2x-3। यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट कितने हैं, फिलहाल 2 और 3 कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, एक्स आपका एक सिंगल वेरिएबल हो गया। यहाँ तक हो गया, इस माइनस ने इन दोनों नंबर को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है आपके पास? 2 टर्म, फर्स्ट ये, सेकंड ये, आपके पास 2 टर्म होगी। इन 2 टर्म में आप देखो वेरिएबल्स को, ये रहा आपका वेरिएबल्स, इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में देखो कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिखा हुआ है या नहीं। यस, क्या लिखा हुआ है? 2। तो आपको क्या कहना है कि जो ये एक्स है वेरिएबल, इसका जो कोफिशियंट होगा वो आपका 2 होगा। तो कोफिशियंट कितना हुआ यहाँ पे? फिलहाल 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4x²-2x+3, इसका आपका कोफिशियंट क्या है, तो आप चेक करो एक्स स्क्वायर आपका है कहाँ। जैसे कि हमने नोट किया कि आपका एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा कॉन्स्टेंट नंबर है, वो है आपका 4। तो 4 यहाँ पर बन जाता है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अच्छा अगर हम कहते हैं कि आपसे एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो क्या लिख रहा है पे -2, तो -2 क्या है आपका एक कोफिशियंट है एक्स का, कोफिशियंट समझ आ गया आपके। नाउ अब ये सारा मिला के अब हम बना लेते हैं अपना एक पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है, अब देखो यहाँ पर पोलोनोमियल पोलोनोमियल का बताना है, मीन्स होगा यहाँ पर आपका कोई भी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म हो आपकी a0 a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x² एंड प्लस अप टू प्लस an-1 x^n-1 प्लस ये an(x^n). अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगी उसको बोल दोगे आप पॉलिनोमियल। बस कंडीशन क्या आपके लिए, कंडीशन ये है आपके ये जो a1 a2 a3 a4 ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे a1 a2 a3 एंड अप टू an-1 एंड an, ये सारे हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे। और ये तो आपका समझ आ गया कि x क्या है यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम चेक करो, मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी n, कितनी n, तो मैक्सिमम पावर आपकी n भी होगी। और जो ये a0 है यहाँ पे, a0 होगा यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट टर्म, क्या होगा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि एक्स आपका नहीं है, इसलिए ये आपकी कौन सी टर्म होगी कॉन्स्टेंट टर्म। क्लियर है इतना। और एक बात यहाँ पे देखना, आपको अगर हम कहते हैं कि आपकी एक पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, एन डिग्री का मींस इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपको एन चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे एक्स की पावर 2, यहाँ पे एक्स की पावर 3, यहाँ पे एक्स की पावर 4, ऐसे ही चलते चलते आप एक्स की पावर कितनी मिली आपको एन, एन यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर है। तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ ये आपका वन वेरिएबल में एन डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, यहाँ तो तक इसके लिए समझ आ कंडीशन गया। आपके और ए एन की वैल्यू होगी क्या नॉट इक्वल्स टू 0। ए एन आपका रियल नंबर तो होगा लेकिन उस रियल नंबर की वैल्यू 0 नहीं होगी। और एक कंडीशन जो आपका एन होगा, एन आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, कैसा नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है नॉन निगेटिव मीन्स, नॉन का मतलब नहीं, निगेटिव जो निगेटिव न हो, इसका मतलब क्या है। देखो एन आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं आपके नंबर, वो 0 की राइट साइड के सारे पॉजिटिव नंबर, 0 की लेफ्ट साइड के सारे निगेटिव नंबर, बट जो 0 होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो आपका एन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसमें 0 काउंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में आपका एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एन के लिए क्या कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए हम यहाँ पे एन की वैल्यू है जो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहेंगे, कैसी होगी नॉन निगेटिव इंटीजर होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी के, तो पॉलिनोमियल आपकी समझ आ गया। चलो इन शॉर्टली अब हम पॉलिनोमियल को दोबारा फिर रिपीट कर ले रहे हैं एक बार, a0 a1x a2x² a3x³ प्लस अप टू an-1 x^n-1 प्लस an(x^n), ये इस फॉर्म में जो भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसको हम क्या बोल देंगे अपना पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एन डिग्री। इस एन डिग्री होने के लिए इस एन को डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होने का मतलब है जो आपका ए एन होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि सपोज ए एन आपका 0 होगा तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे 0, तो ये एक्स आपका एन डिग्री का, डिग्री क्या बताइए आपको हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या बताइए आपको यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहां से आपकी हाईएस्ट पावर तय नहीं थी और वही आपने 0 कर दी, तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो उस केस में इसको एन डिग्री का बनाने के लिए जो आपका ए एन होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा एन क्या बताया नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो डिग्री है वो मैंने आपको हाईएस्ट पावर बताई है। इन शॉर्ट ये सारे को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में छोटे से एक्स ब्लॉक्स के की जो, अनुसार। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको चेक करना है कि जो एक्स की पावर है वो पॉजिटिव 0 या फिर इंटीजर होनी चाहिए। अगर ये एक्स की पावर जो आपकी है
अगर वो इन तीन मतलब किसी कंडीशन को में भी से अगर वो कोई कॉलोन नहीं कर रही है तो आप कह दो ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो यहाँ तक अदरवाइज आपको समझ पॉलिनोमियल आ है। चुका। तो इसके लिए, इसे और ज्यादा समझने के लिए हम लेते हैं अपनी एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2 है आरएस अग्रवाल, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नो, इनमें से कौन से आपके पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट x^5 − 2x³ + x + √3, ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रख ली। सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें टर्म्स कितनी है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन आप भी फिर भी नॉलेज के लिए इसमें चेक करो टर्म्स कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर आपके पास टोटल 4 टर्म हो चुकी है, ठीक है। चलो टर्म तो होगी, अब हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने क्या बताया कि जो एक्स की पावर है या तो वो पॉजिटिव या वो जीरो या फिर वो इंटीजर होनी चाहिए सारी जगह पे। एक्स यहाँ पे है कितना, पावर 5, यस इंटीजर है। एक्स पावर कितनी, 3, इंटीजर। एक्स पावर कितनी, 1, तो ये सारी एक्स की पावर कितनी है, इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल है, यस या नो, यस पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट y³ + √3y, ठीक है, तो y की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 3, दोनों इंटीजर्स होगी y की पावर, ठीक है यहाँ तक। तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है, यस या नो, यस वेरी गुड। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करो आप, वेरिएबल आपका एक्स है बट एक्स की पावर क्या आएगी, -2, क्या ये पॉजिटिव है, नो, ये क्या है, निगेटिव। तो आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत लिख दो यहाँ पे x^2 निगेटिव होने की वजह से हम क्या कह देंगे, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, 8 है यहाँ आपका पार्ट, ये क्या कर रहा है, -3/5। अच्छा -3/5, यहाँ पर तो आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, जब आपके पास वेरिएबल नहीं है कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो ये आपका -3/5 है हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ से -3/5 और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x^0। तो एक्स की पावर है बट कितनी है, 0, और हमने क्या पढ़ा कि एक्स की पावर या तो पॉजिटिव हो या 0 या फिर आपका इंटीजर हो, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, नहीं तो बताओ एक्स की पावर क्या आ गई, 0, तो यस ये आपका पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। नाउ अच्छा 9th पार्ट में देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल, x^2 − 2/x², इसको पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, देखो x^2 ये तो आपका ऐसा कैसा ही बट -2, आपको आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर 1/x² लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इस एक्स को ऊपर ले आना, तो ये जो पावर होती है इसके जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर पे प्लस में है, तो ये अगर ऊपर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x^-2, और सपोज यहाँ आपका माइनस की होती तो ये ऊपर आके प्लस की हो जाती, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -2 आपका ऐसा कैसे ही, और ये एक्स अपॉन में था x², तो ऊपर आके एक्स की पावर कितनी होगी, -2, तो देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ गई, निगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, नो ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ आ गया। नेक्स्ट एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन 1/√5 x^2 1/2 + 1, एक्स की पावर है 1/2 और 1/2 आपका इंटीजर होता है, नहीं होता, नहीं होता जी, 1/2 इंटीजर नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो आपकी एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है नहीं, नो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो 15th लास्ट, 2x³ + 3x² + √x, रूट एक्स मीन्स होता है बेटा x^1/2, ये जो एक्स की पावर है वो आपकी कितनी है, 1/2, और 1/2 आपका इंटीजर नहीं होता, तो इस कंडीशन में हम क्या कह देंगे, ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं है, क्लियर है। ये आपकी एक्सरसाइज 2A थी और इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन था, मैंने इसके कुछ पार्ट छोड़ दिया है वो आपके लिए, वो आपको होमवर्क में है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख अगर सकते आपको हैं, वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि जैसे ही हम अगले नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सको। थैंक यू।